हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, आज 12 तारीख है और आज ही के दिन एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिनके विचार आज के इस आधुनिक युग में प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो निराशा से भरे जीवन में आशा की एक नदी बहाते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ये संदेश किसी और के नहीं, समाज सुधारक युवा युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के है। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म आज के दिन यानी 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता और अभी के वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, वहाँ हुआ। इनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, किसी भी देश में युवा उसका भविष्य होते हैं, उन्हीं के हाथों में देश की उन्नति की बागडोर होती है। आज के परिदृश्य में जहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार, बुराई, अपराध का बोलबाला है जो घुन बनकर देश को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, ऐसे में देश की युवा शक्ति को जागृत करना और उन्हें देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करवाना, उनका बोध करवाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही स्वामी जी को युवाओं से बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने युवाओं की अहम की भावना को खत्म करने के उद्देश्य से कहा कि यदि तुम स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अहम की भावना को नाश कर डालो। उन्होंने युवाओं को धैर्य व्यवहार में शुद्धता रखने, आपस में ना लड़ने और पक्षपात ना करने और हमेशा संघर्षरत रहने का संदेश भी दिया। वहीं आज भी स्वामी विवेकानंद को उनके विचारों और आदर्शों के कारण जाना जाता है। आज भी वो कई युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को लेकर हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।